चले, नाउ वी मूव फॉर अवर 12th फिजिक्स लेक्चर. तो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डन गॉस थ्योरम. क्या थी वो सर? गॉस थ्योरम हमें ये बताती थी कि कैसे किसी भी सरफेस जिसमें एनक्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस जिसने चार्ज क्यू को एनक्लोज कर रखा है, तो उसमें से जो टोटल फ्लक्स बाहर आती थी दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन, ए बाहर आती थी. ठीक है, अब हमें इसे प्रूफ करना है. प्रूफ ऑफ दिस, चले करके देखते हैं. प्रूफ मतलब कि जो फ्लक्स आती है वाकई वो इतनी ही आती है. बिल्कुल सही है, ये प्रूफ करना. तो उसके लिए हम एक सिमेट्रिकल लेंगे. पहले तो मैं आपको एक छोटी सी और डेफिनेशन दूंगा इसमें, वो आपको अलग से याद रखनी है. ये आप याद रखेंगे, ठीक है? तो मैं आपको पहले अभी का बात करने, मान लीजिए हमारे पास एक सिमेट्रिकल सरफेस है, स्फेरिकल ऐसे. सो लेट Q is enclosed in a spherical surface. ठीक है, ठीक हो गया. And अब मान लीजिए इसका radius R है. ऑफ रेडियस आर, ये भी हो गया. अब हम क्या करते हैं, यहां से एक स्मॉल एलिमेंट, एरिया एलिमेंट डीएस ले लेते हैं. लेट सिलेक्ट अ स्मॉल एरिया एलिमेंट ds having area vector outward like this. ये ले लिया हमने ऐसे area, ठीक है. And let the electric field E vector लेंगे produced by Q at the surface is also perpendicular to surface होता है ना, area vector is also perpendicular to surface that is along ds. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी, वो भी हमने इस तरफ ही मान ली. मान लीजिए कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू लगा रहा है वो भी परपेंडिकुलर की सरफेस है, सच दैट अलोंग दैट दैट इज थीटा इज जीरो. तो थीटा क्या था? थीटा वाज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, दोनों के. तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ही उधर ले लिया. अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इसकी? एट द पॉइंट ई कैन बी गिवन एज 4 पाई साइलेंट नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर. वेक्टर में देंगे ना, तो उस तरफ ही होगा, इधर ही इलेक्ट्रिक वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर. तो ये तो पता ही आपको कूलम्स कहां से आ रहे. अब आगे देखें, यहां तक तो पता लग ही गया होगा. अब क्या है सर? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन की थी, वी नो. क्या हमें पता है? फ्लक्स इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस. ई डॉट डीएस इसका सरफेस इंटीग्रल होता है, ये हमने पहले किया था, ठीक है ना?
आपको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बताई थी कि इट इज फ्लक्स पर एरिया, ठीक है, और ये जितना एरिया लिया है तो ये टोटल फ्लक्स होगी डी फाई, और पूरी फ्लक्स निकालनी है तो फाई आप प्रीवियस लेक्चर देखने वहां से अच्छे से पता चलेगा। अब ध्यान से देखें, एस थीटा इज जीरो डिग्री, तो E डॉट ds, जो E ds cos थीटा बनना था, थीटा तो जीरो है, सो ये आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया लगा सकते, ठीक है, तो ये यहां लगाएंगे नहीं, ऐसे छोड़ते, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब आगे, अब सर हमें इंटेग्रल करना है पूरी सरफेस का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कॉन्स्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, डिस्टेंस सेम है, ई इज कांस्टेंट ओवर टोटल सरफेस, क्यों कांस्टेंट है, एज रेडियस इज नॉट चेंजिंग, आर इज फिक्स, आर इज कांस्टेंट, एज आर इज कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है हमारी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो धीरे धीरे इसको तो हटा ही देते हैं, अभी हमने लिखी दिया है ये, तो ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है हमारी तो क्या हुआ इंटीग्रल में, फाई विल बी ई डी एस सरफेस इंटीग्रल, इसका सरफेस इंटीग्रल करना पड़ेगा हम, देखो सिंपल आ जाएगा, तो क्या आ गया हमारे पास, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, अब इसका इंटीग्रल, जब आप ये छोटी छोटी एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, जैसे आपका फुटबॉल है, तो फुटबॉल का एक पैच, आप जब पूरा पैच को ऐड करोगे तो पूरी आउटर सरफेस बन जाएगी फुटबॉल की, तो इंटीग्रल का मतलब उन सब छोटे छोटे पैचेस को ऐड कर लेना, इंटीग्रल का क्या मतलब है, उन छोटे जो हेक्सागोनल पैकेज होते हैं, जो ब्लू ब्लैक व्हाइट ऐसे कलर्स में होते हैं, उन सबको, वो सब इक्वली होते हैं, जब आप पूरी को ऐड करोगे तो आउटर सरफेस ऑफ स्फीयर बन जाएगा, और आउटर सरफेस ऑफ स्फीयर के सब पैचेस को एडिशन करने पे इंटीग्रल बोलेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्लियर हुआ आपको, समझ आया, जैसे फुटबॉल एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, उसके सेंटर में क्यू पड़ा है, उसके छोटा सा पैच ले लिया हमने ऐसा, तो वो ऐसा बना होता है, मान लीजिए वो ऐसा बना, ऐसे ये छोटे छोटे पैचेस ऐसे जुड़े होते हैं, ऐसे मान लीजिए ये ऐसे जुड़े हैं, ड्रॉ नहीं हो रहा, कर लेना, तो उन सब पैचेस को जब ऐड करोगे तो वो पूरी एक सरफेस बन जाएगी, जब वो पूरी सरफेस आउटर बनेगी तो उसका जो सरफेस एरिया आएगा वो 4 पाई आर स्क्वायर है, उन एडिशन करना स्मॉल एलिमेंट्स को, स्मॉल पैचेस को, इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल, तो ये आ गया हमारे पास, ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाई हमारे पास आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन, क्या आ गया है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो प्रूव करना था, हेंस गॉस थ्योरम इज प्रूव्ड, जी गॉस थ्योरम जो हमने इसमें प्रूव करनी थी, गॉस थ्योरम क्या थी हमारी, इट इज इट अनेबल अस टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स, इससे हम टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स को निकाल सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स जो है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यह हम ऐसे निकाल सकते थे, ये मैंने पहले डेफिनेशन अच्छे से बताई थी, दोबारा देख, तो आज नया क्या किया है, एक जो नया किया है ये लाइन की है सर, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज के अराउंड कोई भी क्लोज सरफेस आप ड्रॉ कर सकते हो, इमेजिनरी मान सकते हो, आप मान सकते हो, और वो ऐसी सरफेस हो जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट हो थ्रू आउट द सरफेस, उसे हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं, आप अपनी कैलकुलेशंस के लिए गॉसियन सरफेस को इमेजिन कर सकते अराउंड एनी चार्ज और एनी डाइपोल एनी थिंग, जहां आपने गॉस की थ्योरम को अप्लाई करना है, कंडीशन यही है कि कांस्टेंट होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दैट सरफेस,
एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर हो इन द टू द सरफेस. ठीक है, कॉन्स्टेंट एज आर इज कॉन्स्टेंट एंड ई इज परपेंडिकुलर टू सरफेस. ये सरफेस परपेंडिकुलर टू सरफेस वो एरिया वेक्टर बन. तो गॉसियन सरफेस वो सरफेस होती है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो और परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो, या आप लिख लें अलोंग द एरिया वेक्टर हो, थीटा जीरो होना चाहिए एरिया वेक्टर, उसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं. ठीक होगा, तो ये हमें गॉस थ्योरम की याद रखना है. ठीक है, तो आगे चलते हम गॉस थ्योरम से हम बहुत कुछ निकाल सकते. गॉस थ्योरम हमें हेल्प करता है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वो सरफेस का, वो चार्जेस का, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम कूलम लॉ से नहीं निकाल सकते. तो वो सारी जो है हम गॉस थ्योरम से करेंगे, पर वो धीरे धीरे करेंगे, इतनी जल्दी नहीं करेंगे. ठीक है, ये पॉइंट रिफ्लेक्शन आती हुआ. तो अब क्या करेंगे हम, आप करेंगे हम गॉस थ्योरम से शुरू कर देगा प्रूफ ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस, प्रूफ ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम. कूलम के लॉ को हम कैसे प्रूव करेंगे गॉस थ्योरम से, तो पहले अच्छे से कूलम लॉ. मान लीजिए ये है हमारे पास एक चार्ज Q और यहां है हमारे पास Q एट डिस्टेंस R. तो कूलम के लॉ क्या है, ठीक है, व्हाट इज द कूलम, तो कूलम लॉ इनके बीच है फोर्स का. कूलम लॉ फोर्स पे था, सब ध्यान रखें, 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट बाय R. तो बेसिकली हमें फोर्स का ये फॉर्मूला जिसे हम कूलम लॉ बोलते हैं प्रूव करना है बाय गॉस थ्योरम. अब ये अजीब सी बात है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमने फॉर्मूला यूज किया था गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए वो भी तो कूलम लॉ का था, पर यहां हम गॉस थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और phi is equal to E dot S surface integral. ये जो कॉन्सेप्ट है ये दोनों यूज करेंगे हम धीरे धीरे, तो वहां से हम जो प्रूफ ऑफ कूलम लॉ है वो तैयार करेंगे. अब देखना आपने कैसे होगा. सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, एक स्फेरिकल गॉसियन थ्योरम ड्रॉ करूंगा जो इस चार्ज को इनक्लोज करे Q को, बट Q नॉट से क्रॉस कर, Q नॉट सरफेस पे हो इनक्लोज. ठीक है, सो लेट Q एंड Q नॉट चार्जेस प्लेस्ड आर डिस्टेंस अपार्ट, दोनों को आर डिस्टेंस पे रखें. एंड नाउ ड्रॉ, नाउ ड्रॉ इमेजिनरी गॉसियन सरफेस. मैंने पीछे बता दिया था आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, सच दैट इट इनक्लोजेस Q एंड Q नॉट comes on its surface. तो Q को तो इनक्लोज कर ले सर, सेंटर बना दे उसका, तो और Q नॉट उसकी सरफेस बना दे. तो क्योंकि हमने गॉस थ्योरम ली है तो अभी करते हैं. सो लेट वी टेक अ ds एलिमेंट. नाउ लेट कंसीडर ds area element
एट क्यू नॉट, जहां क्यू नॉट पड़ा है वही ले लिया हमने एरिया। आप कहीं और भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया एलिमेंट का एरिया होगा डीएस इधर और ई भी होगा इधर, क्यों? सो एज पर आपको अभी मैं लिख के थोड़ा सा और समझाता हूं। एज पर गॉसियन सरफेस ई पैरेलल टू डी, ये हमने गॉसियन सरफेस की एक डेफिनेशन में लिख लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल होगा तो उसे हम गॉसियन थ्योरम मानेंगे। ई जो होगा वो कॉन्स्टेंट होगा थ्रू सरफेस, वो भी हमने फिक्स कर दिया था गॉसियन सरफेस पे। अब हमने एक गॉसियन सरफेस ऐसी इमेजिनरी ड्रॉ कर ली है जो क्यू को इनक्लोज कर रही है, बट क्यू नोट उसकी सरफेस पे है। क्यू नोट वाली प्लेस पे ही हमने डीएस एलिमेंट भी ले लिया है, स्मॉल एस एरिया एलिमेंट ले लिया है हमने वहां, ठीक है। अभी आपको डीएस का तो पीछे पता चल ही गया। देन बाय यूजिंग दिस, ध्यान देखिए सर, ठीक है, देन बाय यूजिंग दिस, देन फाई क्या होगा, E डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल भी है और कांस्टेंट भी है, गॉसियन सरफेस सच दैट इन क्लोजर एंड इट्स सरफेस एंड E पैरेलल टू दिस एंड यही निकले E कांस्टेंट है, तो E कांस्टेंट भी है पैरेलल, ये लिखना तो आपको पता है, ये फाइव छोड़ दी है। तो ये आ गए हमारे पास E डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एस इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये पीछे भी हमने किया था। ई फोर पाई आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, व्हाट डज इट इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज ई इज इक्वल टू वन बाय फोर बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। यहां से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली, यहां से वो उसको ठीक करके लिखा मैंने, ये इधर फोर बाय एप्सिलॉन अलग लिख दिया, क्यू बाय आर से अलग लिख दिया, ठीक है। तो अभी हम इसको हटा के फिर समझना शुरू करते हैं दोबारा, इसको अच्छे से देखते हैं, इसको हटा देते। अब देखिए सर क्या हमें ये फॉर्मूला चाहिए था, अब ये तो हमें प्रूव कर लिया है E कहां से निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से, गॉसियन थ्योरम से। अब ये तो ट्रू है क्योंकि गॉसियन थ्योरम ट्रू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आ रहा है गॉस थ्योरम से वो वही आ रहा है जो कूलम्ब लॉ से आता है। तो गॉस थ्योरम तो हमने आज प्रूव की थी वो सही है, तो उसके उसके यू से जो डेरिवेशन करेंगे वो भी सही होगी, तो इसलिए हम कूलम्ब लॉ को यहीं से प्रूव मान लेते हैं, क्योंकि ये तो वैसे ही है क्यू नॉट है, तो ये तो कूलम्ब लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज फोर्स। सो वी हैव डेवलप अ फॉर्मूला ऑफ कूलम्ब लॉ, चार्जेस बिटवीन टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, और वो ये वाला जो प्रूफ है दैट इज क्यू बाय फोर एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा किया है इसके ये वाला, ये हमने कूलम्ब लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड किया हुआ है पीछे। अब ये फॉर्मूला ट्रू है ये हमें गॉस थ्योरम से पता चल गया। अब पहले क्या था, कूलम्ब लॉ ने कहा था कि फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू चार्जेस, तो वहां से वो फॉर्मूला हमने लगाया था। अब हम ये प्रूव करना चाहते थे कि कूलम्ब लॉ ने जो फॉर्मूला लगाया है वो सही है या गलत है, तो हमने वहां से कूलम्ब लॉ में जो यूज होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला है वो प्रूव कर लिया फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम सही है हमने पहले प्रूव की, तो इसलिए ये फॉर्मूला भी सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज तो फोर्स इंटू टू चार्जेस इज ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू। अब इसमें हमें एक चीज देखनी है ध्यान से, हमें क्या देखना सर, देखना ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम गॉस थ्योरम से किसी भी चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को गॉस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। अब वो सही मानी जाएगी, समझ लगी आपको,
वो सही मानी जाएगी आपकी, क्योंकि गॉस थ्योरम इज परफेक्टली करेक्ट, वो हमने अभी प्रूव किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस हम गॉस थ्योरम की हेल्प से, एप्लीकेशन से, थ्योरम से फाइंड करते जाएंगे और हमारा काम चलता जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कूलम लॉ में तो हम फाइंड ही नहीं कर पा रहे थे पॉइंट चार्जेस के अलावा, हम इसके इसके ऊपर चार्ज को फाइंड ही नहीं कर सकते बिकॉज कूलम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, इज ओनली एप्लीकेबल सॉरी फॉर पॉइंट चार्जेस, इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस टाइप ऑफ चार्जेस, या फॉर ए डिस्क और फॉर ए लाइन चार्ज और ए स्फेरिकल चार्ज बॉडी जिसके ऊपर चार्ज हो, वो पॉइंट ही नहीं है वो चार्जेस। जब वो पॉइंट चार्ज नहीं है तो वो फिर कूलम लॉ एप्लीकेशन नहीं होगी। तो गॉस थ्योरम हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने में हेल्प करता है किसी भी चार्ज की। अब इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां पे इतनी है, तो वहां से हमने फोर्स का फार्मूला निकाला। तो फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0qr² ρ, और यही है हमारा फोर्स का फार्मूला। सो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन यही है, इट हेल्प अस टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी टाइप ऑफ चार्ज, पॉइंट चार्ज हो, लीनियर चार्ज हो, स्फेरिकल चार्ज हो, कोई भी चार्ज हो, जहां कूलम लॉ एप्लीकेबल नहीं है पॉइंट चार्जेस के अलावा, पॉइंट चार्जेस के अलावा एप्लीकेबल कहीं नहीं है, वहां गॉस थ्योरम से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। और यही हम आगे आगे करते चले, ठीक है। अब एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहता हूं, कूलम गॉस की थ्योरम का ये जो कॉन्सेप्ट, इसमें बहुत न्यूमेरिकल्स है, तो वो कल हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसकी, सिर्फ काफी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स है, कॉम्पिटिटिव है, आईआईटी नीट में पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल्स है, आप एग्जाम में आने वाले न्यूमेरिकल्स है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और होगी आपको कूलम्स में गॉस थ्योरम की, तो फिर वो हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट। आप आज इतना देखें, इस लेक्चर में ध्यान से देखें, सुने ध्यान से अच्छे, ठीक है। सो गॉस थ्योरम हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंडिंग के लिए यूज करेंगे, बाद में इसको कहीं और यूज करेंगे, ये इसकी एप्लीकेशन है, ठीक। चलो आगे देखेंगे फिर।